हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ओपन मार्केट सेल स्कीम के बारे में। ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या होती है और ये न्यूज़ में क्यों बनी हुई है, आज की इस क्लास में हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को और सबसे पहले समझते हैं कि ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या होती है और ये न्यूज़ में क्यों बनी हुई है। देखिए, ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत केंद्र सरकार के द्वारा एफसीआई को निर्देश दिया जाता है, जो भी केंद्र सरकार के पास चावल और गेहूं का सरप्लस स्टॉक होता है उसको ओपन मार्केट में सेल करने के लिए, बेचने के लिए। और इसके बाद जो जिस भी राज्य सरकार को चावल और गेहूं की ज़रूरत होती है अपनी वेलफेयर स्कीम के लिए, वो इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार से इनको परचेज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं, आपने केरला गवर्नमेंट के बारे में सुना होगा। केरला राज्य के पास वीट और राइस ज़्यादा इनका प्रोडक्शन नहीं होता है क्योंकि केरला में ज़्यादा जो स्पाइसेस हैं, मिर्च मसाले हैं, इन्हीं का प्रोडक्शन होता है। इसी कारण केरला सरकार अपनी राइस और वीट की कमी को इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार से इनको परचेज करके इस कमी को पूरा करती है और अपनी वेलफेयर स्कीम को अच्छे से कंटिन्यू रखती है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से जिस भी राज्य सरकार को चावल और गेहूं की ज़रूरत होती है वो इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार से इनको परचेज कर लेता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी अपनी अपनी वेलफेयर स्कीम चल रही है जिनके तहत राज्य सरकारों के द्वारा जो भी मिडिल क्लास हैं और पुअर पीपल हैं उनको राइस और वीट को दिया जाता है उस स्कीम के अंडर। अब समझते हैं कि ओपन मार्केट सेल स्कीम न्यूज़ में क्यों बनी हुई है। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ में इसलिए बनी हुई है क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया है, कुछ टाइम के लिए इसको स्टॉप कर दिया गया है और जिसका काफ़ी सारी राज्य सरकारों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। चलिए, आप यहाँ पर समझ सकते हैं ओपन मार्केट सेल स्कीम को। देखिए, इस स्कीम के तहत एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा केंद्र सरकार के पास जो चावल और गेहूं का सरप्लस स्टॉक होता है इनको एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर ई ओशन के माध्यम से ओपन मार्केट में सेल किया जाता है और जिन भी राज्य सरकारों को इनकी आवश्यकता होती है वो इस स्कीम के तहत इनको परचेज कर लेता है। चलिए समझते हैं इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। बेसिकली, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही है टू एनहेंस द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन स्पेशली इन द डेफिशिएंट रीजन। जहां भी जिस भी रीजन के अंदर चावल और गेहूं की कमी है वहां पर फूड ग्रेन्स की सप्लाई को बढ़ाना, इसीलिए एफसीआई के द्वारा वीकली बेसिस पर ओशन लगाया जाता है ओपन मार्केट में इस स्कीम के तहत इनको सेल करने के लिए। तो जिस भी राज्य सरकार को या यूनियन टेरिटरी को इनकी ज़रूरत होती है वो इस ई ओशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी इस कमी को पूरा कर सकते हैं, अपनी वेलफेयर स्कीम के लिए राइस और वीट को यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक जो प्राइस होता है वो पहले से ही फिक्स्ड रहता है जिसके तहत एफसीआई इसको सेल करता है। चलिए, अब समझते हैं एफसीआई के बारे में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक स्टैचुअरी बॉडी है। स्टैचुअरी बॉडी उस बॉडी को कहा जाता है जिसको किसी पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत बनाया जाता है और एफसीआई की स्थापना 1965 में की गई थी अंडर द फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 फूड कॉरपोरेशन एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। और ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।